अडानी ग्रुप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से अडानी ग्रुप काफी सुर्खियों में है, कभी अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से तो कभी कोई और मीडिया रिपोर्ट की वजह से। लेकिन आज एक खबर आई है जिसके बाद अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने एक और बंदरगाह को अपने नाम कर लिया है। इस बंदरगाह को नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल भी मिल गया है। अब कहाँ है ये बंदरगाह और इसका नाम क्या है, ये जानकारी भी हम आप लोगों को दे देते हैं। अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण की पूरी डील 1485 करोड़ रुपए में फाइनल की गई है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कराईकल पोर्ट स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और ये चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। ये एक बड़े आकार और सभी मौसम में काम करने वाला बंदरगाह है। और तो और कराईकल पोर्ट गहरे पानी वाला बंदरगाह है। इसमें 5 फंक्शनल बर्थ, 3 रेलवे सीडिंग्स, 600 हेक्टेयर की जमीन और 21.5 मिलियन मीट्रिक टन की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। इस बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तमिलनाडु के कंटेनर वाली कार्गो बेस्ड औद्योगिक केंद्रों और आगामी 9 MMTPA CPCL रिफाइनरी के पास स्थित है। यानी यहाँ से अडानी ग्रुप को बिजनेस और ट्रेड करने में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। अब अडानी पोर्ट के पास कितने बंदरगाह हैं ये जान लेते हैं। अडानी ग्रुप देश की सबसे बड़ी प्राइवेट और रसद यानी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। कराईकल बंदरगाह की खरीदारी के बाद अब अडानी ग्रुप के पास देश भर में 14 बंदरगाह हो गया है। आगे भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाएगी क्योंकि इस डील के पूरा होने के बाद कंपनी के CEO यानी अडानी पोर्ट के CEO करण अडानी का बयान भी आया। करण के मुताबिक ग्राहकों के लिए रसद यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए और बुनियादी ढांचे के लिए समय के साथ अडानी पोर्ट 850 करोड़ रुपये खर्च करेगा। वही कंपनी का प्लान है कि अगले 5 साल के दौरान पोर्ट की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। अब इस खबर के बाद अडानी पोर्ट का शेयर कैसे रिएक्ट करता है ये तो कल यानी सोमवार को ही पता चलेगा, लेकिन 31 मार्च की क्लोजिंग के मुताबिक अडानी पोर्ट का शेयर 632 रुपए पर बंद हुआ था। इसमें 0.74% की गिरावट देखी गई थी। 6 महीने में शेयर ने निवेशकों को 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल में शेयर ने 23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब जाते जाते अडानी पोर्ट पर ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या आई है ये जान लेते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक शेयर 840 रुपए का लेवल आने वाले समय में दिखा सकता है। वहीं JM फाइनेंशियल भी इस शेयर पर बुलिश है। इसके मुताबिक शेयर 800 का लेवल दिखा सकता है। तो अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप निवेश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।